से आप लोग आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 है आप लोग का एक कबड्डी मैच। प्यारे बच्चों ये चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कबड्डी मैच, कबड्डी मैच आप लोग खेलते होंगे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे को स्कूल में भी खिलाया जाता है कबड्डी का खेल। कौन कौन बच्चे खेले हुए हैं नीचे हमको बताइएगा, ठीक है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को आंसर जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को यहां पर क्लास 7 इंग्लिश का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीका से बताया जा रहा है। इंग्लिश हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, साइंस, सारा कुछ मैं करवा रहा हूं आप लोग का, जैसे आपका सिलेबस पूरा यहां पर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। तो प्यारे बच्चों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। देखिए जब भी प्यारे बच्चों आप लोग कबड्डी मैच खेलते हैं तो क्या बोलते हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ठीक है। तो यह सब होता है, ठीक है। इसमें देखिए राघु नाम का लड़का है ना, रामपुर में होता है यह सब मैच, है ना। तो चैप्टर में पढ़ा रखा हूं, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि ये जितना वर्ड है सारे वर्ड को याद कर लेना, ठीक है। सब वर्ड को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग का क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। कहता है थिंक एंड टेल, सोचो और कहो, सोचना है और कहना है ये सब, लेकिन कहना है मौखिक ही बोल रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, क्वेश्चन का जो वो आप लोग को मौखिक देना है, ठीक है। तो देखिए कहता है हु वॉक्ड फर्स्ट इंटू रामपुर टेरिटरी, ठीक है। चलिए तो देखिए आप लोग क्वेश्चन समझ आइए। कहता है कि रामपुर का जो क्षेत्र था उसमें सबसे पहले कौन जो है फर्स्ट बार में वॉक्ड किया था। तो आप जस्ट फर्स्ट लाइन में ही पढ़े थे कि कबड्डी कबड्डी कहते हुए रामपुर के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो रघु था, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा टेरिटरी, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए यहाँ पर मेरे घर पर अभी कुछ काम हो रहा है प्यारे बच्चों, जिसके कारण मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि आप लोग को थोड़ा बहुत साउंड भी आता हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, फिर भी आप लोग का क्लास लेना था इसलिए मुझे क्लास लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए कहता है हु वाज मंगला, मंगला कौन था। तो आप लोग लिखेंगे मंगला वाज द प्लेयर ऑफ रामपुर टीम, रामपुर टीम का ही एक खिलाड़ी था कौन, मंगला, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हु मेड मंगला आउट, मंगला को आउट कौन करता है। तो लिखेंगे रघु मेड मंगला आउट, रघु जो है ये मंगला को क्या करता है, आउट कर देता है। पता है आप लोगों को कबड्डी का जब मैच होता है तो इधर एक ऐसे रहता है ना, उसके बाद इधर कुछ खिलाड़ी रहते हैं, है ना, इधर क्या रहते हैं कुछ खिलाड़ी रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और इधर भी खिलाड़ी होते हैं। तो ये क्या, इधर मानिए इधर कुछ हो रहा है, ठीक है ना, ये रामपुर का टीम है और रामपुर के टीम में मंगला नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और इधर रघु नाम का व्यक्ति है। रघु जब जाता है इस जो आपका ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के उस ओर जाता है, तो ये मंगला को क्या करता है, आउट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग समझे। चलिए आगे देखेंगे, कहता है व्हाट डिड रघु सी व्हेन ही मूव्ड इनटू द रामपुर टेरिटरी, ठीक है। कहता है कि रघु क्या कहता है, रघु क्या कहता है जब वह रामपुर के क्षेत्र में जाता है। तो प्यारे बच्चों जब भी हम इस बॉर्डर की इस पार दूसरे की ओर जाते हैं, अपने दूसरे पक्ष की ओर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कबड्डी 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 कहते हुए जाता है ना। तो रघु क्या कहता है जी, कबड्डी 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 ये कहते हुए क्या कर रहा है, जा रहा है कहाँ पर, रामपुर के क्षेत्र वाले टीम के पास, ठीक है, रामपुर क्षेत्र का जो टीम है, ठीक है, तो उसके पास जा रहा है, ठीक है। चलिए थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। कहता है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सही कथन के आगे टी और जो गलत कथन है उसके आगे फॉल्स के बदला एफ लिखना है, ठीक है। कहता है रघु वॉकड इनटू रामपुर टेरिटरी सेइंग बड्डी बड्डी बड्डी, तो ये बात फॉल्स है, ये बात गलत है, वो बड्डी बड्डी नहीं कहता, वो कहता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए मंगला कुड नोट होल्ड रघु, तो ये बात सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मंगला जो था वो रघु को नहीं रोक पाया, नहीं रोक सका, ठीक है, ये बात तो सही है, तभी तो मंगला आउट हो गया रघु से। अगर पकड़ लेता, अपने ही पर इधर रख लेता, तभी लकीर को नहीं छू पाता, अगर लकीर को छुआ तब ना रघु लकीर को क्या किया, छू लिया, मतलब मंगला जो था वो नहीं रोक पाया, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए ये बात तो सही है। आगे देखिए असलम वाज द प्लेयर ऑफ रामपुर टीम, असलम जो था वो रामपुर टीम का प्लेयर था, तो ये बात बिल्कुल सही है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे देखिए, कहता है आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ चैन
स्टैम्प होर टीम वेयर आवर एक्सेप्ट रग हो, तो ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है, ऑल प्रेयर्स क्या था, चैनपुर टीम का। दो टीम के बीच मैच हुई थी, एक रामपुर टीम एक चैनपुर टीम। ठीक है, एक रामपुर टीम एक चैनपुर टीम। राघु जो थे वो चैनपुर टीम के थे, मंगला जो थे वो रामपुर टीम के थे। ठीक है, समझे आप लोग। असलम किस टीम के थे, रामपुर टीम के, समझे। चलिए, टू से हल्दी चुना इन द साइन ऑफ डिफीट। दो हल्दी चुना किसे कहा जाता है, ये किसका प्रतीक है, तो ये हार का प्रतीक है। ठीक है, जब हार जाता है ना तो उसको बोलते हैं हल्दी चुना, है ना, तो ये सही बात है। ओके, चलिए, गता राघु डिड नॉट टच द डिवाइडिंग लाइन ऑफ द टोट्री। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। राघु जो था वो टच नहीं किया था डिवाइडिंग लाइन। डिवाइडिंग लाइन का मतलब हुआ जब जो दो टीम को बीच में जो लाइन बांटता है उसको हम लोग डिवाइडिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानिए इधर का, इधर क्या है, रामपुर टीम के बच्चे लोग हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं, रामपुर टीम के क्या है, खिलाड़ी हैं, और इधर क्या है, चैनपुर टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये जो इस दोनों टीम को बांट रहा है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिवाइडिंग लाइन। और जो राघु थे, ये चैनपुर टीम के जो राघु थे, ये क्या किए, मंगला को यहाँ पर छूकर, मंगला को टच करके वो क्या किए, ये डिवाइडिंग लाइन को क्या किए, छू लिए थे। इस कथन में बता रहा है कि नहीं छूए, तो ये बात तो गलत है ना जी, तो यहाँ पर फॉल्स लिख लेंगे। ओके, समझे, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो बता रहा हूँ वो एक चित्र के माध्यम समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे आप लोग समझ पाए। द चैंपियन टीम चैनपुर होना चाहिए, यहाँ पर गलत थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिएगा, चैनपुर PUR प्योर। ठीक है, टीम वोन द मैच, ये बात सही है, चैनपुर टीम का जो लोग थे, जो खिलाड़ी थी, वो क्या के मैच को जीते। ठीक है, मैच को कौन जीते, चैनपुर टीम के, टीम किससे जीते, रामपुर टीम के, है ना, रामपुर टीम के कौन थे, मंगला थे जी, और कौन थे, असलम थे, लेकिन चैनपुर में कौन कौन थे, रघु जी थे। ठीक है, तो आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए फ्रेज इन और वन सेंटेंस। आपको क्वेश्चन का जवाब जो है एक फ्रेज में देना है या वन सेंटेंस में देना है। कहता है, व्हाट वाज रघु बीइंग फोर्स्ड टू टी सी, क्या कहता है जी, हल्दी चूना। पता होगा आप लोग को, जब कोई भी खिलाड़ी जो है वो दूसरे टीम को फोर्स कर देता तो वो कहते हैं हल्दी चूरा। ठीक है, कौन कहते हैं, रघु कहते हैं। ओके, आगे कहता है, हु टुक रघु ऑन दियर शोल्डर्स। शोल्डर्स का मतलब होता है कंधा। ठीक है ना, तो कहता है हु टुक रघु ऑन दियर शोल्डर्स, तो लिखेंगे द सपोर्टर्स टुक रघु ऑन दियर शोल्डर। जब मानिए दो टीम के बीच क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, मानिए, ठीक है, इधर है रघु वाला टीम, इधर है मंगला वाला टीम, इधर है रामपुर वाला टीम, है ना, इधर है चैनपुर वाला टीम। इधर रघु वाला जब जीतेगा तो रघु वाला जो उनके क्या होंगे, उनके जो सपोर्टर होंगे, उनके जो गांव के लोग होंगे, वो क्या करेंगे, अरे भाई मेरे टीम की ओर क्या जीता है, तो उसको क्या करेंगे, अपने कंधा पर बैठाएंगे। कंधा बैठाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बैठाएंगे, तो वही उसको उठाकर अपने कंधा पर डालते हैं। कौन, जो राघु टीम को क्या कर रहे थे, चैनपुर टीम को सपोर्टर थे। ठीक है, जो राघु का क्या थे, सपोर्टर थे। अच्छा, जो हारेगा वो कभी बैठाएगा जी, नहीं बैठाएगा ना, जो हारेगा उस गाँव के जो लोग होंगे उनको तो दुख होगा ना, जो जीतेगा उनके गाँव के लोग को खुशी होगी, और खुशी होगी तो जो जिताया खेल को उसको उठाकर अपने कंधे पर बैठाएंगे, है ना। चलिए, समझे आप लोग। चलिए आगे कहता है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रामपुर सपोर्टर्स। रामपुर सपोर्टर्स का क्या डिमांड था, उनका क्या डिमांड था, दी दे डिमांडेड टू असलम टू टच एट लीस्ट टू प्लेयर एंड मेक देम आउट ऑफ द गेम। कहता है दे डिमांडेड टू असलम, है ना, टू टच एट लीस्ट टू प्लेयर, वो टू प्लेयर को कम से कम छुए, ठीक है, एंड मेक देम आउट ऑफ द गेम, और वो मैच गेम को क्या कर दे, आउट कर दे गेम को। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये कहानी जो आपका मैच है ना, मैच बच्चा लोग जरूर आप लोग देखते होंगे। ठीक है, ये कबड्डी मैच है, कबड्डी का खेल कौन कौन बच्चा खेले हुए हैं नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा, और कबड्डी खेल में कितना, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सब हमको बताइएगा। ठीक है, हम देखेंगे कितने बच्चे को आ रहा है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, देयर इज नो ऑफ एनी स्पोर्ट्स, इसको क्या बोलेंगे, स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल, है ना, खेल आइटम इन कबड्डी, डू यू एग्री, इफ यस एक्सप्लेन। कहता है देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्पोर्ट्स आइटम, कबड्डी में कोई भी स्पोर्ट्स आइटम, खेल का जो सामग्री होता है, आइटम होता है, वो नहीं लगता है। तो आप लोग बताइए क्या आप सहमत है, यस आई एग्री डैट देयर इज नो नीड फॉर एनी स्पेशल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, है ना, इन कबड्डी, ऑल यू नीड ऑफ द प्लेयर्स एंड ए स्मॉल प्लेइंग
एरिया। देखिए कबड्डी में कोई भी जो खेल की सामग्री होता है, जैसे बैट बॉल हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें बैट चाहिए, बॉल चाहिए, उसमें आपका विकेट चाहिए। लेकिन कबड्डी जो होता है इसमें सिर्फ क्या चाहिए, प्लेयर चाहिए। जो खेलेगा भाई वो तो होना चाहिए ना, खेलने वाला आदमी होना चाहिए, और जहाँ पर खेलेंगे वो एरिया होना चाहिए, थोड़ा सा जगह होना चाहिए, बस यही दो चीज़ रहता है। बस कबड्डी का खेल हम लोग खेल लेते हैं, कोई भी चीज़ हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा कहता है, हाउ डिड रघु बिकॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम। कहता है, हाउ डिड रघु बिकॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ चैनपुर टीम, ठीक है। व्हाट डिड द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम डू आफ्टर द मैच। मैच के बाद चैनपुर टीम के जो लोग थे, चैनपुर टीम के जो सपोर्टर्स थे, जो चैनपुर टीम के सदस्य थे, वो क्या किए, ठीक है। रघु जो था, ठीक है, वो मैच को, ठीक है, चैनपुर टीम को कैसे, मतलब क्या किया उसको, चैनपुर टीम को क्या कहता है, मतलब चैनपुर टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी कैसे बना। रघु जो आप लोग को पता हुआ, रघु के वजह से ही चैनपुर टीम जीता था, ठीक है ना। जो जीता आया वो तो मेन खिलाड़ी होगा, ये मुख्य खिलाड़ी होगा ना। तो आप लोग लिखेंगे, रघु बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, रघु जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी इसलिए बना था। रघु जो था वो चैनपुर टीम का बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी इसलिए बना था बिकॉज, क्योंकि ही हेल्प्ड हिज टीम विन द मैच। वो जो था अपने टीम को मैच जीतने में मदद किया था, उसी के वजह से मैच को जीत पाया। ऐसे तो मैच खेलने में सबका योगदान होता है, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा प्रयास था, ठीक है ना, जिनके कारण ये जीत पाए, इसलिए वो क्या हुए, मुख्य खिलाड़ी हुए, ठीक है। आफ्टर द मैच, मैच के बाद द एक्साइटेड चैनपुर सपोर्टर लिफ्टेड रघु ऑन दियर शोल्डर्स एंड प्रेज्ड हिम। रघु के जो सपोर्टर्स थे, जो चैनपुर टीम के जो सपोर्टर थे, वो रघु को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि भाई हम ही आपकी वजह से हम लोग का टीम आज जीता है, हम लोग का नाम रोशन हुआ है आप ही के वजह से, ठीक है। तो उसको खुशी के मारे अपने कंधे पर बैठा लेते हैं, कौन, जो चैनपुर टीम के सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे कहता है, रघु वाज बीइंग फोर्स्ड टू से, रघु जो है हल्दी चूना भाई क्यों कहता है, तो लिखेंगे इन कबड्डी व्हेन ए प्लेयर सेज हल्दी चूना इट मींस, इन कबड्डी मतलब कबड्डी में व्हेन ए प्लेयर, व्हेन का मतलब होता है जब, ए प्लेयर का मतलब एक खिलाड़ी, जब एक खिलाड़ी, सेज का मतलब होता है कहना, हल्दी चूना, कबड्डी में जब एक खिलाड़ी हल्दी चूना कहता है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, दे आर एक्सेप्टिंग डिफीट, वह जो है दूसरा टीम का जो है क्या, हार एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। द रामपुर प्लेयर्स वेयर फोर्सिंग रघु, है ना, द रामपुर प्लेयर्स, पहले बच्चों मैं क्षमा चाहता हूँ, बार बार यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देखिए, द रामपुर प्लेयर्स वेयर फोर्सिंग रघु टू सी दिस टू एक्नॉलेज डेट ही हैड लॉस्ट द मैच। रामपुर प्लेयर्स के जो थे वो फोर्सिंग कर रहे थे रघु को ये कहकर कि दिस इज एक्नॉलेज डेट ही लॉस्ट द मैच, है ना, वह रघु के वजह से क्या किए, मैच को रहे। थोड़ा बहुत आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा तो आवाज़ आ रहा होगा, मशीन का तो मैनेज कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। चलिए, चार नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। कहता है आप कौन सा गेम को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, गिव रीजन, कारण भी बताइए, ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा गेम लगता है। तो लिखेंगे, माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल, मेरा सबसे प्रिय खेल कौन सा है, फुटबॉल है आप लोग का, जो भी होगा, कोई कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो कोई हॉकी खेलते होंगे, बहुत सारा खेल होता है, तो आपको जो भी पसंद है उसको लिख दीजिएगा। आई लाइक इट, आप लोग उसको क्यों लाइक करते हैं उसके लिखेंगे, हम जैसे फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे आई लाइक इट बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज, बिकॉज ये हमको गुड एक्सरसाइज देता है, अच्छा व्यायाम करवा देता है, इज ईजी टू प्ले, इसको खेलना आसान होता है, एंड डजंट रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, सो इवन पुअर टीम कैन अफोर्ड टू प्ले, मतलब इसमें जो है ना कोई एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड नहीं होता कि भैया हमको ये खेलने के लिए इतना बड़ा सामान चाहिए, इतना महंगा सामान चाहिए, है ना, इसलिए ये गरीब टीम भी खेल सकता है, अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, इसको खेल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से बताया। अब आप लोग का थोड़ा वर्ड स्टडी या वर्ड की स्टडी करवा रहे हैं। कहता है कि कोरेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आप लोग का चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े, उसमें वर्ड दिया गया था, बहुत वर्ड गलत लिखा है यहाँ पर, इसको ठीक करके लिखे। तो आप लिखा है टेउच, इसको लिखा है टच, यहाँ पर देखिए फिर टेउट्री, इसका मतलब क्या होता है क्षेत्र, इन सर्किल, कोट है ना, इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कोट, कोट का मतलब होता है पकड़ना, ओके, 90, रिसीव, सपोर्टर, ओके, इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग इसको शुद्ध करके लिख लेंगे, ठीक है। अब कहता है मिलान कीजिए, मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सामने सामने हम लिख दिए हैं, आपको इसमें मिला लेना है, ठीक है। आपके बुक में होगा ए बी सी डी, ऐसे करके होगा, एक नंबर इधर होगा, इधर होगा, तो आपको एक नंबर में जो है उसको ई वाला में मिलाना है, दो नंबर को डी वाला में, तीन नंबर को बी वाला में, चार नंबर को एफ वाला में, पाँच नंबर को ए वाला में, छः नंबर को सी वाला में, तो मिला लेंगे आप लोग जल्दी से। एक बार यस सर लिखेंगे, जल्दी से यस सर लिखिए। तो चलिए आगे देखिए, अब ग्रामर सेक्शन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में आप लोग का कहता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेस्ट। आपको जो लिखा गया है इसको ध्यान से पढ़िए, तो पहले है ना, उसके बाद देखिए, शुड इज ऑल्सो यूज, शुड क्यों यूज होता है, टू गिव वार्निंग एंड थ्रेट, है ना, इन द सेंस ऑफ ऑफर, इन द सेंस ऑफ मॉरल ओबिलाइजेशन, है ना। उसके बाद फाइंड आउट द सेंस इन हु शुड हैज बीन यूज्ड इन द, मतलब कहता है जो शुड होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, तो जब हम लोग वार्निंग देते हैं, किसी को चेतावनी देते हैं, तो उस समय हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, किसी को जब ट्रीट करते हैं तो उसमें भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, या किसी को हम लोग ऑफर देते हैं तो उसमें भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, या फिर हम किसी को मॉरल ओबिलाइजेशन देते हैं तो उसमें भी शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको बताना है भैया कि यहाँ पर आपको शुड का प्रयोग क्यों हुआ है। कहता है यू शुड स्पीक द ट्रुथ, तुमको हमेशा सच बोलना चाहिए, आप लोग को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये हम आपको सजेशन दे रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, आप बोलो या ना बोलो ये आपका काम है, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं, जैसे आपको हमसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको डेली क्लास 7 इंग्लिश जो है इसको सब इंग्लिश को भी पढ़ना चाहिए, ये हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि इंग्लिश आप पढ़िए, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ आप पढ़िए, ठीक है, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है भाई, आप पढ़िए या ना पढ़िए ये आपका काम है, लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ, आपको सजेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बोला, आपको सत्य बोलना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए, सच बोलिएगा, ये मेरा सजेशन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सजेशन। शुड का प्रयोग क्यों हो रहा है, सजेशन के लिए। उसके बाद वी शुड हेल्प द हेल्पलेस, जो भाई गरीब लाचार है उसकी मदद हमको करना चाहिए, ये हुआ मोरल ओबिलाइजेशन, ठीक है, मोरल ओबिलाइजेशन के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं वार्निंग देने के लिए, जैसे यू शुड बी पनिश्ड इफ़ यू टेल ए लाई, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुमको क्या सजा दी जाएगी, ये क्या है, वार्निंग है, चेतावनी दे रहे हैं, इस बार चेतावनी दे रहे हैं, अगले बार क्या देंगे, सजा देंगे, ठीक है। तो हमारा काम है चेतावनी देने के लिए भी क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सजेशन के लिए भी बता दिए, मोरल ओबिलाइजेशन के लिए भी बता दिए, सजेशन भी बता दिए, ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे, अब आप लोग का हम बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, ए और एन भरना है, ए एन का प्रयोग है, कहता है ए डॉग इज कौन सा एनिमल, एन एनिमल, ठीक है, गांधी जी वाज ए ग्रेट मैन, रेखा इज ए गुड गर्ल, ही इज एन एम ए, जो आप लोग बोलेंगे सर ये एम तो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, फिर भी एन क्यों लगाए, प्यारे बच्चों जब एम ए को लिखेगा तो ये एम ए लिखाएगा, ठीक है, एम ए का मतलब पहले क्या ए क्या है, स्वर व्यंजन है, तो जब भी हम लोग ऐसे उच्चारण कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं वोवेल कॉन्सोनेंट, वो बच्चा नर्सरी एलकेजी यूकेजी का, जो यूकेजी तक का बच्चा होता है 1-2 का, वो करता है, आप लोग 7 में आ चुके हैं, इसमें एम लगाएंगे, ठीक है। एन सी सी, एन का कैसे लिखेंगे, ए एन, ये क्या है जी, ये क्या है, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन के आगे एन लगाएंगे, ठीक है। चलिए राघु इज एन एक्टिव प्लेयर, क्या है, एक्टिव, एक्टिव का मतलब ए एक्टिव, ऐसे लिखेंगे जी, एक्टिव लिखेंगे तो ये क्या ए है, ये कौन सा व्यंजन, स्वर व्यंजन, जैसे ही स्वर व्यंजन आएगा तो इसके पहले एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, एन लगाएंगे, ठीक है। चलिए ई है, अब कहेंगे सर ई है, इसमें एक क्यों लगा दिए, प्यारे बच्चों ई से होता है यूरोपियन, यूरोपियन हमें यो आ जाता है, क्या आता है, युवा, युवा क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, व्यंजन है, जब भी स्वर नहीं है व्यंजन है, व्यंजन के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। वोवेल कॉन्सोनेंट आप मत देखिए, आप अब क्या है 7th के स्टूडेंट हैं, तो आपको वो सब मत देखना, ठीक है।
आवर, इसको आप लोग हावर पढ़ेंगे, हावर नहीं, इसको आवर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आवर। आवर और क्या है? स्वर व्यंजन। तो इसके आगे एल लगाएं, बी ए। बी ए कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? बी ए, ठीक है, ए लगाएंगे। वन, वन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग लिख पाएंगे। ओ एन यू, ओ एन ई है ना, वन, ठीक है, तो इसको एन लगाएंगे, ठीक है, समझे। चलिए अब देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या रहा है। टॉक अबाउट द मैच, टॉक अबाउट एनी मैच यू हैव वॉच्ड। अब आपको कोई मैच के बारे में बताना है जो आप देखे होंगे, तो आप लोग लिख देंगे जो भी आप लोग देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम उत्तर दे दिए, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, या नहीं करना है तो मत कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे आगे का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको इंग्लिश में करना है। कहता है रघु चैरपुट का तेज खिलाड़ी था, तो लिखेंगे क्या? रघु वाज ए ब्राइट प्रैकी ऑफ चैरपुट टीम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ही वाज एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, वह क्या है? एक्टिव है, फुर्तीला है, और क्या है जी? मजबूत है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? कहता है कि असलम में भी रामपुर का लोकप्रिय खिलाड़ी था, रामपुर का खिलाड़ी था ना, तो क्या लिखेंगे? असलम वाज, असलम वाज आलसो, आलसो का मतलब भी होता है, ठीक है, आप पॉपुलर प्लेयर ऑफ रामपुर लिख लेंगे। चलिए आगे कहता हुआ मेहनती था, ही वाज लेबोरियस, क्या? लेबोरियस। आगे क्या है बच्चों? कहता है बिना अपने मित्रों के साथ रोज कबड्डी खेलता है, अरे बिना प्लेज कबड्डी डेली विथ हिज फ्रेंड्स। उसके बाद गेम मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, गेम खेल खेलने से हमारा स्वास्थ्य जो होता है, हमारे शरीर जो होता है ये मजबूत बनाता है, लिखेंगे गेम मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, वी शुड रेगुलरली प्ले एंड रीड, हमको रेगुलर पढ़ना चाहिए, रेगुलर क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य क्या है? धन है, लिख लेंगे स्वास्थ्य धन है, ओके। ए हेल्थी माइंड इन ए हेल्थ बॉडी, हेल्थी बॉडी क्या? स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो गया होगा, कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत अगर आपको साउंड में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, धन्यवाद जी। इसी प्रकार मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे कीजिएगा, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते तो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, ऐप जाइए डाउनलोड कीजिए मेरा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग फ्री में PDF वगैरह लेना चाहते हो तो गूगल में जाना, सर्च करना SBMClasses.com, क्या सर्च करेंगे? SBMClasses.com जाएगा, अपने सर का चैनल, अपने आदित्य सर का चैनल आएगा, वहां पर जाकर देख लेना, ठीक है। वहां पर वेबसाइट भी है, मेरा वेबसाइट भी आ जाएगा आपका, वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।